बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में होगा त्रिकोणीय मुकाबला। मतगणना के बाद ही ये तो पता चल पाएगा कि कौन सा नेता किस पर भारी पड़ा है। लेकिन इस वक्त कल ही शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सर्व समाज की मीटिंग में ऐलान कर दिया है कि वो आगामी 4 तारीख को बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से एक तरफ दूसरी बार लोकसभा प्रत्याशी कैलाश चौधरी है, तो वही कांग्रेस आरएलपी छोड़ कांग्रेस में आए उमेदाराम बेनीवाल को आते ही बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भरोसा जताते हुए उन्हें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर मैदान में उतार दिया है। अब चुनाव के बाद में ही पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार किस पर भारी पड़ा है, लेकिन हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और राजस्थान राइज पर नए हैं तो फॉलो भी जरूर कीजिएगा।